हेलो फ्रेंड्स, आज हम बादामी रंग की तुलसी की माला बनाने वाले हैं। ये माला बनाने के लिए आपको तुलसी की जो लकड़ी लेनी है वो ज़्यादा सूखी नहीं होनी चाहिए, ऐसी लकड़ी आपको लेनी है। यहाँ पे हमने वो उस तरह की लकड़ी ले ली है, फिर उसको आपको छील लेना है जैसे कि आपको दिख रहा है वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टा यूजर नेम है गीता 333। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो लकड़ी के मोती काट कर तैयार कर लिए, इतने में कम से कम 2 माला बन जाएगी। और जो माला बनाने के लिए जो सुई धागा ले लिया है, और जो हमने सुई ले ली है वो एकदम पतली ली है, मोती काम की जो सुई आती है आपको वो वाली सुई लेनी है। और लकड़ी में छेद करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बीच में ही छेद होता है जहाँ से हमें सुई डालनी है। और यहाँ पर आपको टाइट कर लेना है नोक लगा के अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें एक मोती लेना है और बीच में से सुई डालनी है। बस ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सुई तिरछी ना जाए और सीधे सीधे बाहर निकलेगी तो उसमें आपको छेद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गले में पहनने के लिए हम तुलसी की माला बना रहे हैं तो 108 मोती होने ज़रूरी है, इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे मोती पीरों के गिन लिए हैं और ये पूरे 108 कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो एकदम सफ़ेद माला बनकर तैयार हुई है। Thank you.
देखिए फ्रेंड्स, हमारी माला बनकर तैयार हो चुकी है। यदि आप इसे एकदम सफ़ेद रंग में पहनना पसंद करते हो तो आप ऐसे भी पहन सकते हो, और यदि आप बादामी रंग की माला पहनना चाहते हो तो आपको थोड़ी आगे प्रोसेस करनी पड़ेगी। यदि आपको इस तरह की माला पसंद आती है, एकदम हल्के हल्का सफ़ेद रंग है, तो ये माला भी पहनने के लिए बहुत अच्छी रहती है। ये देखिए, यदि आपको इस तरह की सफ़ेद रंग की माला पहनना पसंद नहीं है, जैसी मार्केट में हल्के हल्के बादामी रंग की जो माला मिलती है, अगर ऐसी तैयार करनी है तो आपको कोई भी ऑयल ले लेना है यहाँ पे, और हमें इसमें जो माला है उसको 2 दिन के लिए डिप करके रखना है, यानी कि भिगो के रखना है। 2 दिन भिगो के रखेंगे तो इसका जो रंग है वो हल्का हल्का सा क्रिस्पी बादामी रंग जैसा हो जाएगा, जो बिल्कुल वैसी माला बनकर तैयार होगी जैसी हमें मार्केट में मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टा यूज़र नेम है Geeta333। 2 दिन भिगोने के बाद अब हम इसे पोंछ लेते हैं कोई भी कॉटन के कपड़े पे लेके। फिर हमारी माड़ा बनकर तैयार हो चुकी है।